है। अब देखो 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 ध्यान से, अब चल रहे हैं, ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि वाटर है, चलो हमने ऐसे ही मान लिया, ऐसे ही रैंडमली इसका वेपर प्रेशर है 50, ऐसे ही मान लिया 50 एटीएम मान लो, 50 बार मान लो, ठीक है ये मान लिया हम इसको। अब इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला, देखो यहाँ वहाँ नहीं, हमने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला तो इसके वेपर प्रेशर में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। मान लो कितनी कमी आ गई, हमने मान लिया 10 एटीएम की कमी आ गई, तो ये कितना हो गया 40। तो देखो ये जो वेपर प्रेशर में कमी आई, इसी को हम क्या बोलते हैं, लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोबरिंग इन वेपर प्रेशर हमें अगर पता करना है तो हमें प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से किसके वेपर प्रेशर को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, सॉल्वेंट की। अब आप लोगों के सामने ये लिखा आएगा एग्जाम में, तो आप लोग इसको ऐसे बोलोगे पी नॉट ए माइनस पी एस, एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, लोबरिंग इन, दिस इज अ लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, ये कितना है 50, ये कितना है 40, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितनी आ गई 10। तो कभी भी हमें वेपर प्रेशर में कमी पता करना है तो हम प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से किसके वेपर प्रेशर को सब्सट्रैक्ट करेंगे, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को, दिस इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते थे पी नॉट ए माइनस, लिख सकते थे क्या, अभी अभी बताया हमने पी नॉट ए माइनस पी ए, ये क्या कहलाएगा, लोबरिंग इन वेपर, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बाकी लिखो ही को नहीं, ये हो गया लोबरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया। मतलब हम प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को सब्सट्रेट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई है। अच्छा ये तो हुआ लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, पी नॉट ए माइनस पी सॉल्यूशन, ये हुआ लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये जो वेपर प्रेशर में कमी आई है ये किसके रेस्पेक्ट में हम पता कर रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट के, इसी के रेस्पेक्ट में पता कर रहे हैं ना। स्वाति यहाँ देखो, ये तो हमने नींद उड़ा दी, ये जो वेपर प्रेशर में सीधे बैठो, बिल्कुल टिकना नहीं है, ये जो वेपर प्रेशर में कमी आई है किसके रेस्पेक्ट में आई है, तो जिसके रेस्पेक्ट में आई उसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और राउल्ट्स लॉ इसी के बारे में है, रिलेटिव लोअरिंग, राउल्ट्स लॉ सिर्फ इतना बता देंगे कि ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितनी ज़्यादा होगी या कितनी कम होगी। तो हम आपको अभी बता देते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा किसका अमाउंट होगा, सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दोगे उतना ही ज़्यादा उसके वेपर प्रेशर में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। तो किसी भी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में जो कमी आती है विथ रेस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट उसको ही हम बोलते हैं रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। और एक कितनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा हम इसमें वो पदार्थ डालेंगे जो अपना वेपर प्रेशर नहीं बनाता। तो राउल्ट्स लॉ से भी इतना कह देते हैं, हम आपको यही बता देते हैं कि रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर उतनी ही ज़्यादा होती है जितना ज़्यादा क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट समझ रहे हो, सॉल्यूट का अमाउंट निकालेंगे टोटल के अमाउंट में, सॉल्यूट का अमाउंट किस में निकालेंगे, टोटल के अमाउंट में। बताओ ये वैल्यू ज़्यादा कब आएगी, जब ये वैल्यू ज़्यादा, ये वैल्यू ज़्यादा मतलब किसके मोल ज़्यादा, सॉल्यूट के मोल ज़्यादा, सॉल्यूट के मोल ज़्यादा मतलब किसके मोल ज़्यादा, NaCl या नॉन वॉलेटाइल, और जितना ज़्यादा NaCl पड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा तो क्या आएगी, वेपर प्रेशर में कमी आएगी, रिलेटिव सभी आपस में लिंक है, उतनी ज़्यादा वेपर प्रेशर में कमी आएगी। तो ये राउल्ट्स लॉ ये कह देते कि ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है उसमें कमी उतनी ही ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बोल रहे हैं, इसका सीधा सीधा हमारा मतलब है कि इसमें किसके मोल ज़्यादा होंगे, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के मोल। बात समझ में आई, इतनी इतना नोट कर लो, फिर हम कॉन्सेप्चुअल पार्ट में आते हैं, नोट करो फास्ट, जिसको अभी भी समझ में नहीं आया तो परेशान नहीं होना है, अभी हम पूरा क्लियर कर देते हैं, क्योंकि एक बार में समझ में आ जाए ये तो हम जानते हैं कि नहीं आएगा पूरा, लेकिन 10% भी कैप्चर हो गया तो ठीक है। कल से स्वाति तुम दौड़ती हुई आओगी, आयुष्का तुम दौड़ते हुए आओगी,
सीधे घर से दोनों लोग। क्लास में जो तुम लोगों धीरे धीरे करके टिक जाते हो और टिकते टिकते सपनों में खो जाते हो, यानी क्या क्या सपने देखने लगते हो, कहीं नानी के यहाँ पहुँच गए, कहीं मामा के यहाँ पहुँच गए, है ना, कोई फुल्की उल्की तो नहीं खाने लगा था सपने में। हमने एक चीज़ गजब की देखी, कोरोना में सबकी बिक्री घट गई, लेकिन वह फुल्की की ठिलिया खाली होके जाती। तुम लोग विश्वास नहीं मानोगे, हम रास्ते से जब आते हैं तो हम कोई भी फुल्की की ठिलिया देख लें, लड़कियों की भीड़, तीन चार लड़कियां हमें हमेशा खड़ी मिलती हैं, हमें लग रहा 100 रुपये की खा जाती होंगी एक बार में। लड़के नहीं मिलते फुल्की की दुकान में, कम मिलते हैं हमें, लड़कियां ज़्यादा मिलती हैं फुल्की की दुकान में। हमने इस सोच के रखा कि कभी हम बूढ़े बूढ़े हो जाएंगे तो फुल्की का बिजनेस चालू करेंगे, 2 घंटे फुल्की की दुकान खोलो, वैस आराम से अच्छी फुल्की वैस बनाओ तो फिर तो देखो भीड़ लग जाए। फुल्की के लाने आदमी ऐसे लाइन लगा है जैसे कि पानी के लिए। अच्छा, पानी के लिए तो नहीं बोलेंगे, पानी तो बहुत कीमती चीज़ है। तुम लोग जितने सीधे बन रहे हो ना, सब फुल्की खाते हो, पता है मैम, हमने बताया था तुम्हें, जब वो फुल्की खाते हैं तो जो वो पानी में स्वाद आता है, वो पानी में स्वाद मसाले के कारण कम है, जो हाथों से सीरा टपकता है उसके, जब वो पसीना सीना पहुँचता है तो फिर उसी हाथ को डालता है उसमें और ऐसे घोरता है, फिर ऐसे 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 करता, फिर जो सीधा बनता है ना उसमें खट्टास जो होती है, तुम लोग जो चटकारी लेके खाते हो ना जो वो खटास आती है, आ हा, उसमें उस आदमी की मेहनत तो मिली है, साथ में पसीना भी मिला है। खाना फुल्की बताएंगे तुम लोगों की, फुल्की खाना छोड़ देंगे हम, खाओ फुल्की, हमें आपकी फुल्की खाने से दिक्कत नहीं है। नहीं लिख पाया था क्या, किसका लिख गया था, स्वाति का दे दो, नहीं लिख पाया था, कोई बात नहीं, नहीं भी लिख पाया तो कोई बात नहीं, लिख दे दोबारा, तुम्हारा लिख गया था दीपा, अरे उसका नहीं लिख पाया था, यांति का लिख गया था, चलो ये सब चीज़ें आपको बस आज एक दो दिन देखनी है, फिर इनको कुछ नहीं देखना है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, है ना, इनकी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने आज ये लेक्चर हमारा अच्छे से सुना है तो हम आपको ये गारंटी देते हैं कि अब आपको इस चैप्टर में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इस चैप्टर का सबसे कॉन्सेप्चुअल पार्ट था। एक चीज़ और हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, इस फॉर्मूले, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, ये इस चैप्टर के लिए बहुत बड़ी हिंट है। वेपर प्रेशर इन बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन पता है कैसा होता है, सीधी बात है, जिसकी वेपर ज़्यादा बनेगी वो जल्दी बॉइल हो जाएगा, तो अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब देखो हम आपकी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, RLVP, वेपर प्रेशर में कमी क्यों आ रही है, क्योंकि हम इसमें ऐड क्या कर रहे हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। बताओ वेपर प्रेशर में कमी आएगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, तो इसी को तो बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सब पूरी प्रॉपर्टी का आपस में कनेक्टेड है। यहाँ देखो बच्चों, बाद में नोट करना, अगर आपने रिलेटिव लोगरिथम वेपर प्रेशर लिख लिया तो आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लिख लिया, क्योंकि जिस समय वेपर प्रेशर में कमी आ रही है बाय डिफॉल्ट उस समय बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर में अगर कमी आएगी तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़िया। और वेपर प्रेशर में कमी लाने के लिए आप लोगों को समझ में आ गया क्या डालना पड़ेगा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट में कमी आ जाएगी। अच्छा एक चीज़ बताओ, किसी के बॉइलिंग पॉइंट में कमी आ गई, अगर किसी के बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी बस गलत बोल गए, किसी का वेपर, अच्छा वेपर प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, है ना, यहाँ देखो यहाँ पर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर घटाने के लिए क्या डालना पड़ेगा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट,
जिस समय हम आरएलबीपी लिख रहे हैं उसी समय हम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट भी लिख रहे हैं, दोनों चीज़ साथ में लिख रहे हैं आपस में, क्योंकि जैसे ही आपने वेपर प्रेशर घटाया वहीं पर दूसरी घटना भी हो जानी है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, किसी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, सोचो थोड़ा सा, किसी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? दोनों अपोजिट थिंग है ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा तो उसी को तो क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बताओ ये आ क्यों रहा है? इसके कारण, मतलब इसके मूल्स के कारण, मतलब ये तीनों प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड कर रही हैं? सॉल्यूट के मूल्स पर। सॉल्यूट के मूल्स मतलब मूल क्या है हमारे? पार्टिकल। तो बताओ ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं कि नहीं? हमने आपको वैसे ही शुरू में लिखवा दिया था, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, तो वो हमारी क्या कहलाती हैं? कोलिगेटिव। तो आपको क्या समझ में आ गया कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रही है? पार्टिकल्स। ए और नोट करो और फिर हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट में। ये सब चीज़ें आपको पढ़नी नहीं पड़ेंगी बच्चों, बार बार जल्दी से इतना नोट कर लो फिर हम आगे चलें। कनेक्ट समझ में आ रहा है? देखो, आप लोगों को स्पष्ट बोलना पड़ेगा, हमसे झूठ बोलोगे, एक डॉक्टर से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए ना, कभी भी टीचर से। अब जो ये सब हमने ऐसे लिखा हुआ है उटपटांग तरीके से, इस अब हम मेन चीज में आते हैं, पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम।